आज के इस टॉपिक में हम कलेक्टिव फ्रेजेस करेंगे। कलेक्टिव फ्रेजेस क्या होते हैं? वो फ्रेजेस जो कि एक कलेक्ट फॉर्म में होते हैं, यानी एक समूह में होते हैं, ठीक है, उसे कलेक्टिव फ्रेजेस बोलते हैं। यानी कि किसी चीज का झुंड, उन्हें अलग अलग झुंड को अलग अलग चीज से डिनोट किया जाता है। वो चीजें जो एक ग्रुप में होती हैं, झुंड में होती हैं, समूह में होती हैं, तो गुच्छों में होती हैं, उन्हें हम क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग चीज को अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। हर चीज को हम ग्रुप नहीं बोल सकते, ठीक है ना, हर चीज को हम ग्रुप नहीं बोल सकते, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हमें किसी को फूलों का बुके देना होता है, बुके, बुके से ही आप समझ जाते हो कि बुके होगा तो फूलों का होगा, तो वो जो बुके होता है वो फूलों का ही बुके होता है जिसमें बहुत सारे फूल होते हैं, उसे आप ग्रुप ऑफ फ्लावर्स नहीं बोल सकते, उसे आप बुके ऑफ फ्लावर्स ही बोलोगे। ऐसे ही अलग अलग चीज को अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग नेम से डिनोट किया जाता है। चाहिए आज हम इससे रिलेटेड ही कुछ ऐसे ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि कूड़े का ढेर। अब आप उसको ग्रुप तो नहीं बोलोगे ना, कूड़े के ढेर को, तो कूड़े का ढेर उसको बोलेंगे हीप, हीप ऑफ रबिश, हीप ऑफ रबिश। कूड़े को हम गार्बेज भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको बोलेंगे हीप ऑफ रबिश। नेक्स्ट है रेत का ढेर, रेत का ढेर या बजरी का ढेर या ईंटों का ढेर, उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें भी हीप बोलेंगे, हीप ऑफ सैंड। अगर बजरी का ढेर है हीप ऑफ स्टोन्स, अगर ईंटों का ढेर है तो हीप ऑफ ब्रिक्स, उन्हें भी हीप बोलेंगे। कूड़े के ढेर को भी हीप बोलते हैं, हीप ऑफ रबिश। नेक्स्ट है जानवरों का झुंड, जानवरों के झुंड को हर्ड बोलते हैं, हर्ड, ठीक है, हर्ड ऑफ कैटल्स, जानवरों के झुंड को हर्ड बोलेंगे, हर्ड ऑफ कैटल्स। जो सूरों का समूह है, इसमें बहुत सारे सूअर होते हैं एक झुंड में, सूरों का झुंड जहां होता है उसे भी हर्ड बोलते हैं। और सूरों को पिग नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्वाइन्स, क्योंकि सूरों से स्वाइन फ्लू अगर आपको पता हो होता है तो उसको स्वाइन्स बोलते हैं, उनको भी हर्ड बोलते हैं। जानवरों के झुंड को भी हर्ड बोलेंगे, सूरों के झुंड को भी हर्ड बोलेंगे। जानवरों के झुंड को हर्ड ऑफ कैटल, सूरों के झुंड को हर्ड ऑफ स्वाइन्स। नेक्स्ट है हिरनों का झुंड, जहां पे बहुत सारी हिरने होती हैं, उसको भी हर्ड बोलेंगे, हर्ड ऑफ डियर्स, ठीक है, हर्ड ऑफ डियर, हिरनों का झुंड, हर्ड ऑफ डियर। नेक्स्ट है चाबियों का गुच्छा, चाबियों के गुच्छों क्या बोलेंगे, बंच, बंच ऑफ कीज, चाबियों के गुच्छों को क्या बोलते हैं, बंच, बंच ऑफ कीज। ऐसे ही अंगूरों का गुच्छा होता है, अंगूरों के गुच्छों को क्या बोलते हैं, इसको भी बंच बोलते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स, गुच्छे को ग्रेप्स, झुंड को हर्ड, ठीक है। चाबियों का गुच्छा बंच ऑफ कीज, अंगूरों का गुच्छा बंच ऑफ ग्रेप्स। घोड़ों की टुकड़ी जिसमें बहुत सारे घोड़े होते हैं, ट्रूप ऑफ हॉर्सेस, ट्रूप ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों की टुकड़ी को ट्रूप। चोटियों की श्रृंखला, जहां बोलते चोटियां, पहाड़ों की चोटियां, उनको बोले रेंज, रेंज ऑफ क्लाइफ्स, रेंज ऑफ क्लाइफ्स। नेक्स्ट है मक्खियों का झुंड, मक्खियां, जहां बहुत सारी मक्खियां होती हैं। मक्खियां दो तरह की, एक तो हाउस फ्लाइज और एक होती है मधुमक्खियां, बीज। तो ये है हाउस फ्लाई वाली मक्खियां जो ब्लैक कलर की होती हैं। मक्खियों का झुंड जहां पे बहुत सारी होती हैं उसे बोलेंगे स्वार्म ऑफ फ्लाइज, स्वार्म, मक्खियां, हाउस फ्लाई वाला स्वार्म, स्वार्म ऑफ फ्लाइज। नेक्स्ट है मधुमक्खियों का समूह, जहां पे बहुत सारी मधुमक्खियां बीज होती हैं उसको बोलेंगे हाइव, हाइव ऑफ बीज, क्या बोलेंगे, हाइव।
मक्खियों के झुंड को स्वार्म ऑफ फ्लाइज, मधुमक्खियों को हाइव ऑफ बीज। नेक्स्ट है जूतों का जोड़ा, जूते के जोड़े को पेयर बोलते हैं, पेयर ऑफ शूज, दो चीजों का पेयर होता है, पेयर ऑफ शूज, दो चीजें एक जैसी जो पेयर में होंगी। नेक्स्ट है पेड़ों का झुंड, पेड़ बहुत सारे पेड़ होंगे, ग्रूव, ग्रूव ऑफ ट्रीज, ग्रूव बोलेंगे उसे, पेड़ों के झुंड को ग्रूव ऑफ ट्रीज। नेक्स्ट शिकारी कुत्तों का झुंड, जहां पे शिकारी कुत्ते होते हैं उनका झुंड जो होता है उसे बोलेंगे पैक, पैक ऑफ हॉर्न्स, पैक ऑफ हॉर्न्स। नेक्स्ट है लकड़ियों का गट्ठड़, लकड़ियां क्या, बंडल, बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों के गट्ठड़ को बंडल ऑफ स्टिक्स। भेड़ों का रेवड़ा, भेड़ें होती है जिसमें बहुत सारी, उसे बोलेंगे फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ शीप्स, क्या बोलेंगे उसे, फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ शीप्स। दीपों का समूह, दीपे, दीप आइसलैंड्स, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स। नेक्स्ट है पहाड़ों की श्रृंखला, ठीक है, पहाड़ों की श्रृंखला, चेन ऑफ माउंटेन्स, चेन ऑफ माउंटेन्स। नेक्स्ट है पक्षियों का दल, जिसमें बहुत सारे पक्षी होते हैं उसे कहते हैं फ्लाइट, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, यानी बर्ड्स की फ्लाइट, क्योंकि वो इकट्ठे उड़ते हैं इसलिए उसे फ्लाइट बोलते हैं, कि फ्लाइट होती है वो बर्ड्स की, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का दल। नेक्स्ट है फूलों का गुच्छा, बुके, बुके ऑफ फ्लावर्स, ग्रुप तो नहीं बोलोगे किसी भी चीज, इनमें से हर एक चीज ना अपने फॉर्म में है, ठीक है, हम हर एक चीज को ग्रुप नहीं बोल सकते, ठीक है, हर एक चीज के लिए अलग यूज किया है, जैसे कि तारों का समूह, उसे आप क्या कहते हो, नॉर्मल से या स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो कि जहां जहां पे बहुत सारे उसे गैलेक्सी बोलते हैं, ऐसे फूलों को बुके बोलते हैं, तो गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तारों का समूह, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट है लोगों की भीड़, लोगों की भीड़ को क्या बोलोगे, आप क्या कहते हो, कितना क्राउड है यहाँ पे, तो क्राउड, क्राउड ऑफ पीपल्स, ठीक है ना, लोगों की भीड़, क्राउड ऑफ पीपल्स। नेक्स्ट है सैनिकों की टुकड़ी, सैनिक, जहां पे बहुत सारे सैनिक होते हैं उसे रेजिमेंट बोलते हैं, रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों की टुकड़ी। और मजदूरों की टोली, मजदूरों की टोली को क्या बोलेंगे, गैंग, गैंग जो होती है उसे मजदूरों की टोली को बोलते हैं, गैंग ऑफ लेबर्स। तो ये जो सारे हैं ये कलेक्टिव फ्रेजेस हैं जो एक साथ मिलके कलेक्ट होके बनते हैं, ठीक है ना, एक फ्लावर को हम बुके नहीं बोल सकते, एक स्टार को हम गैलेक्सी नहीं बोल सकते, एक पीपल को हम क्राउड नहीं बोल सकते, एक सोल्जर को हम रेगिमेंट नहीं बोल सकते, और एक लेबर को हम गैंग नहीं बोल सकते, यानी एक चीज के लिए हम ये चीजें नहीं लगा सकते, ये बहुत सारे जब हो जाते हैं ना इकट्ठे तब हम इस चीज का यूज करते हैं। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।